हरे कृष्णा। गोविंदास क्यूजिन में बंगाली ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वह है बैंगन फ्राई या फिर बैंगन भाजा भी जिसे कहा जाता है, बहुत ही प्रचलित है। बैंगन में अलग अलग प्रकार के बैंगन आते हैं, जिसमें से ये बड़े वाले जो बैंगन है जिसे एग प्लांट भी कहा जाता है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। यह जो बैंगन भाजा है वह बनाना बहुत ही आसान है, कुछ घरेलू इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप इसे झटपट से बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को भी बैंगन भाजा या फिर जिसे बैंगन फ्राई कहा जाता है वो बहुत ही पसंद था, तो इसे हम ठाकुर जी के लिए बनाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं बैंगन भाजा। बैंगन भाजा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये बड़े वाले दो बैंगन लेंगे जिसे हम अच्छे से धो लेंगे और इसे हम बाद में कट करेंगे। सबसे पहले उसका मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए यहाँ पर लिया है 3/4 कप जितना बेसन। उसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी हींग, 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार या फिर 1 चम्मच और सौंफ को हमने भूनकर दरदरा सा पीस लिया है वह इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। सब कुछ रफली मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सौंफ का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक स्मूथ बैटर तैयार करना है, ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है, हल्का सा थिक रखना है। और थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 1/2 कप प्लस 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी इस्तेमाल किया है। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून जितनी चीनी। चीनी डालने से बैंगन फ्राई के ऊपर एक कैरेमल जैसा कलर आता है, इसीलिए हम चीनी डालते हैं। बैटर तैयार है, इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर बैंगन को अभी कट कर लेंगे। पहले से कट करके रखेंगे तो बैंगन काले हो जाएंगे। इसे मीडियम थिक, थोड़ी सी मोटाई वाले बैंगन हम करेंगे, इस तरह से कट कर लेना है। अब बैंगन के ऊपर इस तरह से चाकू से स्क्वायर पीसेस जैसे कर देंगे। नीचे तक चाकू नहीं डालना है, ऊपर ऊपर से इस तरह से स्क्वायर करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वह अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर अपना बैटर भी तैयार है। यहाँ पर बारीक वाला रवा लिया है हमने, सूजी जिसे कहा जाता है, और इससे हम इसे कोट करेंगे। बैंगन को इस तरह से दोनों ही साइड से बैटर में डिप कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से, और बाद में इस रवा पर इस तरह से कोट कर लेंगे। यहाँ पर हमने 4 से 5 टेबलस्पून जितना तेल गरम किया है। अब बैंगन को रखेंगे, हमें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई ही करना है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों ही साइड से सुनहरा होने तक फ्राई करना है। तीन मिनट जितना समय हो चुका है, इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं ऊपर एक क्रिस्पी लेयर और चीनी की वजह से उसका एक सुनहरा कलर भी आता है, कैरेमल जैसा। दूसरी साइड भी इसी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर टोटल 8 से 9 मिनट हो गई है, दोनों ही साइड से बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसे हम प्लेट में ले लेंगे और दूसरे बैंगन भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बैंगन भाजा तैयार है, इसे आप साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं।
यहाँ पर हम बैंगन भाजा को कड़ी और चावल के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो खिचड़ी या दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तुलसी पत्र रखकर ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। बैंगन भाजा की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे ट्राई कीजिए, ठाकुर जी को भोग अर्पण कीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अगर आपको प्रसाद की रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रसाद की रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।